नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष देहरिया। आशीष देहरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। आज हम बात करेंगे ग्लेज कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है ग्रीन कॉफ़ी। सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण कॉफ़ी के नुकसान क्या है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के अनुसार कॉफ़ी के अधिक सेवन से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। कॉफ़ी पीने का चलन पूरी दुनिया में जिस तरह से है, उसे देखते हुए कैफीन को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित साइकोएक्टिव ड्रग यानी दिमाग पर असर करने वाला ड्रग कहा गया है। कैफीन के ज़्यादा इस्तेमाल से बेचैनी, अस्थिरता, सिर दर्द, अनिद्रा जैसी समस्याएं पैदा होती है। कैफीन तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, जिसके कारण दिल पर अधिक दबाव पड़ता है। दिल की समस्या या अनियमित धड़कन से पीड़ित लोगों के लिए कॉफ़ी पीना खतरनाक हो सकता है। कॉफ़ी के अधिक सेवन से घबराहट और हृदय गति रुकने का डर बढ़ सकता है। कैफीन का ज़्यादा सेवन शरीर की नसों को कमज़ोर करता है, जिस कारण घबराहट, निराशा और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ग्रीन कॉफ़ी क्या है, आइए जानते हैं ग्रीन कॉफ़ी के बारे में। ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी बीन्स का अनरोस्टेड वर्जन है। इसमें भुनी हुई कॉफ़ी बीन्स की तुलना में कम कैफीन होती है। ग्रीन कॉफ़ी कॉफ़ी के कच्चे हरे बीज होते हैं, जिसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कॉफ़ी को रोस्टेड मतलब इसे सेका नहीं जाता है। ग्रीन कॉफ़ी सुखाकर पाउडर बनाते हैं, जिसे ग्रीन कॉफ़ी कहते हैं। ग्रीन कॉफ़ी की खूबियाँ, ग्रीन कॉफ़ी में नेचुरल रूप से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ग्रीन कॉफ़ी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर हमारी ऊर्जा को बढ़ाने और डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने में भी मददगार साबित होती है। ग्रीन कॉफ़ी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके बढ़ते वजन को कम करने में मदद करती है। ग्रीन कॉफ़ी वेट लॉस के लिए फायदेमंद है। ग्रीन कॉफ़ी हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। ग्रीन कॉफ़ी एल्जाइमर डायली ये उपयोगी है। ग्रीन कॉफ़ी दिमाग को तेज करती है। ग्रीन कॉफ़ी दिन में 2 से 3 बार 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ग्रीन कॉफ़ी मिलाकर ले सकते हैं। सो दोस्तों, आपको नेचुरल ट्विस्ट ग्रीन कॉफ़ी के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।